100% तो भगवान राम भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तो कोई 100% न क्राइम रुकेगा कहीं भी संसार में। वो तो हुआ ही है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। देखिए, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है पूर्ण रूप से, और इसको लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार समीक्षा बैठक उन्होंने करी और मैराथन बैठक भी की गई जिसमें कई फैसले लिए गए। हालांकि देखिए, अब एक फिर से निर्देश आया है कि अब ड्रोन से शराब के धंधेबाजों पर कार्रवाई की जाएगी और इस पे जो है निगरानी रखी जाएगी। हमारे साथ बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू है। सर, शराब को लेकर के लगातार आपकी सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है और ड्रोन से जब निगरानी की जाएगी शराब के धंधेबाजों पर, उन्होंने वो विपक्ष की पार्टियां ये कह रही हैं कि कुछ भी कर ले बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू नहीं हो सकती। देखिए, मुख्यमंत्री बीच में थोड़ी ढिलाई हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने इधर बहुत प्रयास किया, अथक प्रयास किया, उसके बाद देखे होंगे कितनी छापेमारी हुई है, कितनी पकड़ाया है, कितने लोग सस्पेंड हुए हैं और कितने लोग जेल गए हैं, और के पाठक को यहाँ, के पाठक बहुत योग्य अफसर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर हैं, एक योग्य अफसर को यहाँ बनाया गया है, SCS एक्साइज बनाया गया है, तो के पाठक जी भी मुजफ्फरपुर जाके, छपरा जाके, गोपालगंज जाके, फिर पूर्णिया जा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो इससे काफ़ी कमी आएगी। अब 100% तो भगवान राम भी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे तो कोई 100% न क्राइम रुकेगा कहीं भी संसार में, कोई नहीं हो सकता, लेकिन वो नहीं है। सबसे बड़ी है कि कमी होना, पैरलर माफियागिरी बंद होना, ये काफ़ी कम हुआ है पहले से, और हमको लगता है कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ये हैं और चीफ मिनिस्टर बोले हैं कि हम इस लोगों को पूरा घूम घूम बिहार में घूम घूम के भी इस पर मॉनिटरिंग भी करेंगे या लोगों को जागरूक भी करेंगे, इसका मॉनिटरिंग भी करेंगे और इसको जागरूक भी करेंगे। लेकिन शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन सर होम डिलीवरी को लेकर के लगातार बात होती है और सवाल भी उठते हैं, लगातार शराब माफियाओं के द्वारा होम डिलीवरी किए जा रहे हैं और जिसके कारण हमने देखा बिहार में किस तरह से तस्वीरें निकल के आई जहाँ जहरीली शराब कांड से कई लोगों की मौत हुई। देखिए, वो तो हुआ ही है, कुछ कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, लेकिन उसको दुरुस्त करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उसमें काफ़ी बड़ा फोर्स तैयार किया जा रहा है, काफ़ी इसमें और पुलिस के पदाधिकारी और सिपाही को दिए जा रहे हैं इसमें, और होम डिलीवरी वगैरह भी पहले से बहुत कम हुआ है। आप तो देख रहे हैं होम डिलीवरी में कितनी स्कूटी, कितनी ये से गाड़ियाँ पकड़ा रही है, फ्लैट में, कितने फ्लैट वगैरह में, होटल में छापेमारी करके पकड़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कम हो रहा है। कोई अब हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई अब घर में कोई चुपचाप कहीं पी लेता होगा, नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा पी के बाहर निकलने का, या पीना बहुत कम हो गया, पहले से बहुत कम हुआ है पीना। अब थोड़ा 1-2% तो रहेगा ही, उसको तो आप कहें कि आप चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री ने इधर काफ़ी एक्टिव है, मुख्यमंत्री काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं जिसमें उन काफ़ी सफलता भी मिली है। ड्रोन से शराब के धंधेबाजों पर निगरानी रखी जाएगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत अच्छा है, ड्रोन से तो पूरा जो गंगा जी में से, गंगा नदी वगैरह से जो बॉर्डर पर, खास करके गंगा नदी बॉर्डर उडर पर ड्रोन बहुत कारगर होगा, जो बॉर्डर पर जो शराब लेके चले आते हैं नदी के द्वारा, ये के द्वारा, जंगल के द्वारा, ये के द्वारा चले आते हैं, तो उसे ड्रोन से उसकी निगरानी होगी, तो उसमें सबका फोटो आ जाए, पिक्चर आ जाएगा, सब पकड़े जाएंगे। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि कोई बोतल वगैरह भी कहीं फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, उसकी भी पूरा उसकी भी जांच हो रही है, जांच चल रही है, अब आगे भी जांच होगी, इसलिए ऐसा भी नहीं हो कि किसी के घर, कोई ये आदमी किसी के घर पर बोतल फेंक दे और उस पर ये हो जाए, वो भी उस पर भी मुख्यमंत्री चाहते हैं कि वैसा नहीं हो कि गलत तरीके बदनाम करने के लिए भी किसी बोतल वगैरह फेंका जाए। बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हमारे साथ थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं उस फैसले को इन्होंने सराहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो है ये फैसले लिए गए और इस फैसले के बाद से अब बिहार में शराब तस्करों या फिर शराब माफियाओं पर नकेल कसने में काफ़ी आसानी होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ, अपने सहयोगी W के साथ अश्मित सिन्हा, फर्स्ट बिहार पटना। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी।
भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996।